टेस्ला सीईओ एलन मस्क ने कहा है कि उनकी कंपनी ह्यूमनॉइड रोबोट्स को तैयार कर रही है। यह रोबोट क्या काम करेगी और क्या होगा खास, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंडीड टेक्नोलॉजी। टेस्ला के सीईओ और मशहूर बिजनेसमैन एलन मस्क ने एक बड़ा ऐलान किया है। मस्क ने कहा है कि टेस्ला एक ह्यूमनॉइड रोबोट बना रही है जो घर में नौकर की तरह काम करेगा। अगले साल यानी 2023 तक इसका प्रोटोटाइप तैयार कर लिया जाएगा और इसे लोगों के सामने पेश किया जाएगा। इलोन मस्क अपनी कंपनी टेस्ला की फैक्ट्रियों में ऑटोमेटेड मशीन और अपने एक्सपीरियंस एम्प्लॉय की मदद से यह रोबोट तैयार कर रहे हैं। इस रोबोट में कंपनी ऑटो पायलट ड्राइविंग असिस्टेंट का भी कुछ हिस्सा यूज करेगी जो इलोन मस्क अपने टेस्ला की गाड़ियों में यूज करते हैं। इनमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही यूज किए जाएंगे। वैसे एलन मस्क हमेशा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नुकसान के बारे में बोलते आए हैं। हालांकि अब उनका कहना है कि टेस्ला जो रोबोट्स बना रही है वो ह्यूमन फ्रेंडली होंगे और इंसान को ओवरपावर नहीं कर पाएंगे। एलन मस्क के मुताबिक टेस्ला मैकेनिक लेवल का रोबोट डिजाइन कर रही है। यह रोबोट 5 फुट 8 इंच लंबे और 128 पाउंड वेट का होगा। यह हूबहू इंसानों की तरह दिखता होगा। एलन मस्क के मुताबिक रोबोट्स को ऐसे टास्क करने के लिए डिजाइन किया जाएगा जो सेफ नहीं होते, लगातार दोहराए जाते हैं और जो बोरिंग होते हैं। इस तरह के काम के लिए स्पेशली डिजाइन किया जा रहा। इस रोबोट को टेस्ला बॉट नाम से लॉन्च किया जाएगा। एलन मस्क ने कहा है कि कंपनी के अंदर अभी इस रोबोट को ऑप्टिमस कोड नेम के तहत बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि हॉलीवुड फिल्म ट्रांसफॉर्मर सीरीज में ऑप्टिमस प्राइम नाम का एक पॉपुलर कैरेक्टर है और इस मूवी से ही इंस्पायर्ड होकर ये नाम रखा गया है। टेस्ला की तरफ से फिलहाल टाइमलाइन नहीं बताया गया है कि इसे कमर्शियली कब लॉन्च किया जाएगा, लेकिन इतना जरूर बताया गया है कि इसका प्रोटोटाइप अगले साल 2023 तक आ जाएगा लोगों के सामने। हाल ही में शाओमी ने एक साइबर डॉग नाम से रोबोट लॉन्च किया है जो कुत्ते जैसा दिखता है। हालांकि ये लिमिटेड बनाया गया है और इसका यूज भी लिमिटेड है। अब देखना दिलचस्प होगा कि एलन मस्क अपने टेस्ला बॉट से लोगों को किस तरह चौंकाते हैं और ये कितना फायदेमंद होता है ह्यूमंस के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसकी कीमत क्या रहती है, क्या आम लोग इसे अफोर्ड कर पाएंगे। फिलहाल इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। भारत में तो लोग टेस्ला की कार का भी इंतजार कर रहे हैं क्योंकि भारत में अभी तक टेस्ला की कार की बिक्री शुरू नहीं हुई। तो बस आज की वीडियो यहीं तक। आप कितने एक्साइटेड है इस ह्यूमनॉइड रोबोट के लिए नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।